कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन है। ऐसे मवाना स्थित बिलाल मस्जिद में 10 विदेशी मौलवी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर व स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मस्जिद में पहुंची और इन लोगों से पूछताछ की। इनके कागजात कब्जे में लिए। बताया जा रहा है कि मेरठ आने से पहले ये दिल्ली के निजामुद्दीन की जमात में भी शामिल हुए थे। उसमें कई लोग कोरोना के संदिग्ध थे। LIU समेत अन्य इंटेलिजेंस टीम ने आला अधिकारी को सूचना दी कि मोहल्ले हीरालाल स्थित बिलाल मस्जिद में विदेशी ठहरे हैं। पुलिस टीम ने दबिश दी, वहां ये लोग आराम फरमाते मिले। यह जमाती लोग हैं। ये जमात 17 मार्च को सूडान व केन्या से आई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इनकी जांच की जो कि सामान्य पाई गई, तो वहीं मस्जिद के इमाम मौलाना शौकत से भी पूछताछ की गई। फिलहाल पुलिस ने इनकी पासपोर्ट और वीजा अपने कब्जे में ले लिया है। सर, ये लोग अपनी जमात में आए हुए हैं। ये तीन देश के लोग हैं, सूडान के, कीनिया के, जम्मू देश के लोग हैं। तो ये 22 फरवरी को आए हुए हैं और इन्हें सूचना इनके जो शहर काजी ने सूचना नहीं दी और अचानक हमें पता लगा, तो इनका हम सब इनका चेकअप करने आए। पूरा मतलब हमारे SO साहब भी, CO साहब भी, सब अपना हमारे पूरे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम वहाँ पर गई और फिर उनका वहाँ का हमने पूरा रूटीन चेकअप किया उनका और थर्मल स्कैनिंग की सबकी। हालांकि थर्मल स्कैनिंग में सब ठीक आए गए और वही टीम की सूचना जब हमारा लॉकडाउन है तो कैसे इन्होंने सूचना नहीं दी। और हमारा देश आज इतने बड़े आफत से गुजरा, खतरे से गुजरा, हर बीमारी महामारी फैल रही है, तो हम सतर्क रहना हर तरह से हमें। और हमारा यही है कि जब जो लोग लॉकडाउन में हैं वो अपने घर में सतर्क रहें, 24 दिन तक अपने कहीं भी घर से बाहर ना निकलें। सर, मवाना कब से आए हुए हैं, कब से रुके हुए हैं मवाना में? 22 फरवरी से मवाना में है। 22 मार्च सॉरी